मथुरा में अक्षय नवमी पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए बुधवार को हजारों श्रद्धालु पंचकोसीय परिक्रमा मार्ग पर उमड़ पड़े, तो वहीं परिक्रमा मार्ग में जगह जगह महिलाओं ने आंवला के वृक्ष का पूजन कर परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर मां लक्ष्मी ने पृथ्वी लोक में भगवान विष्णु एवं भगवान शिव की पूजा आंवले के रूप में की थी और इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण किया था। यह भी कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे श्री हरि विष्णु के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। आज आंवला नवमी है और आज के दिन आंवला की पूजा करना बहुत ही अनिवार्य है। आंवला के पत्ते पे विष्णु भगवान विश्राम करते हैं। ये पत्तों को भी हाथों में लेके अपनी इच्छा मांगो तो ईश्वर पूरी करते हैं। विष्णु भगवान साक्षात वास है, इसलिए आंवला की तो जरूर ही पूजा करनी चाहिए। 108 परिक्रमा लगती है इसकी, कम ज़्यादा से ज़्यादा, उससे कम लगाना चाहो लगा सकते हो। और ये कार्तिक मास के इतने अच्छे महीने में आता है, इसकी पूजा करना साक्षात लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा मान जाती है। ये तो बहुत पुरानी है, ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। इसका जल भी किसी पर पड़ जाए कार्तिक नहाने वाले का, वो आदमी का भी उद्धार हो जाता है। तो इसकी तो भैया बहुत ही मानता है, इसका तो बखान करना ही कम है। बहुत मज़ा आ रहा है परिक्रमा लगाने में, और उसमें आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है और बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं मिलके, हम लोग बहुत अच्छा आ रहा है। प्रभु से यही है कि बस स्वस्थ रखे हमें और हर साल ऐसी परिक्रमा लगे।